हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग आज एपी को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास टेन के लिए होगा, एपी क्लास इलेवन के लिए भी है। ये इलेवन के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी एक लिख के रखा हुआ है, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा ये देखा जाए। दिया हुआ टी एम प्लस टी टू एन प्लस एम इज इक्वल टू टू इंटू टी एम प्लस एन, मतलब एम्थ टर्म और टू एन प्लस एम्थ टर्म का सम जो होगा एम प्लस एन टर्म के डबल के इक्वल होगा। तो पहले हम लोग एल एच एस को सॉल्व कर लेते हैं। टी एम प्लस टी टू एन प्लस, हम जानते हैं टी एम का फॉर्म टी एम होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी, तो टी एम होगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू टी। ये क्या होगा ए प्लस, इनका वैल्यू तो यहाँ पे इतना है, तो टू एन माइनस एम, ये हो टू एन प्लस एम और तब माइनस का वन इंटू डी होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा ए प्लस एम डी माइनस डी प्लस ए प्लस टू एन डी प्लस एम डी माइनस डी। अब क्या होगा देखिए, ए और ए मिला के क्या बनाएगा, टू ए बनाएगा। यहाँ पे एम डी और यहाँ भी एम डी है, तो क्या हो जाएगा टू एम डी हो जाएगा। फिर माइनस डी और ये माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस टू डी हो जाएगा और प्लस टू एम डी, यही होगा। अब हमने देखा कि सब में टू कॉमन आ रहा है, और टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा ए प्लस एम डी माइनस डी प्लस एम डी, टू का टू रह गया, इस तीनों में डी को मना रहा है, तो इसमें हम डी कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा एम माइनस वन प्लस एम। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए फार्मूला आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता है टी एन होता है, टू का टू रह गया और ये कह जाएगा टी एन की जगह पे क्या है एन प्लस एन, तो टी एम प्लस एन प्रूव हो गया। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इफ ए बी सी बी द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म रेस्पेक्टिवली ऑफ एन ए पी प्रूव दैट ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यही क्वेश्चन है। ए बी सी पीथ क्यू आठ टर्म है, तो ये आपको प्रूव करना है। पीथ टर्म जैसे एंथ टर्म होता है टी एन, वैसे पीथ टर्म क्या होगा टी पी। तो आप जानते हैं कि एंथ टर्म टी एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। पीथ टर्म का मतलब कि सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टी पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए, टी पी का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो आप टी पी क्या होता है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपका। वैसे ही टी क्यू क्या दिया हुआ है बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। फिर टी आर दिया हुआ है सी, ये हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। थ्री इक्वेशन हमारे पास आ गए। हमको Q माइनस आर का वैल्यू चाहिए, कैसे होगा Q माइनस आर कैसे होगा, जब इस Q में से इस R को माइनस करेंगे।
ये तभी होगा जब इक्वेशन टू में से इक्वेशन थ्री को माइनस करेंगे। आर माइनस पी कब आएगा, आर में से पी थ्री में से वन को माइनस करेंगे। पी माइनस क्यू कब आएगा, पी माइनस क्यू जब वन में से टू को माइनस करेंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन वन में से टू माइनस करेंगे, टू में से थ्री माइनस करेंगे, थ्री में से वन माइनस करेंगे। ठीक है, तो होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से टू को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन ये है, लिखेंगे कि ये होगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए है। अच्छा, एक चीज हम लोग जरा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये ए है और ये मिक्स हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, इसलिए हम इस स्मॉल ए को कैपिटल ए में चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। ये ए बी सी अलग रहेगा, ये ए अलग रहेगा, मिक्स अब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बदलाव करना होगा, यहाँ पे ए लिखना, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए है, इक्वेशन टू है, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। हम लोग इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस ये कट गया, ये क्या बच गया, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, यही होगा, माइनस डी प्लस का डी खत्म, डी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमको किसका वैल्यू चाहिए था, पी माइनस क्यू का वैल्यू चाहिए, तो पी माइनस क्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन टू को माइनस किया वन से, अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू माइनस थ्री, अब टू में से थ्री को माइनस करेंगे, टू लिखिए, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, क्यू डी माइनस डी माइनस आर डी प्लस डी इक्वल टू बी माइनस सी, ये डी से ये डी करके डी को मान लेते हैं, क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी। नेक्स्ट क्या होगा, क्यू माइनस आर का वैल्यू, क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई डी, क्यू माइनस आर का वैल्यू आ गया। हमने वन माइनस टू किया, टू माइनस थ्री किया, अब क्या करेंगे, थ्री माइनस वन, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन थ्री माइनस वन करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि परेशानी नहीं हो, आप हर एक तरह का सिचुएशन समझ सके, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन है तो डर जो है एपी का खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन थ्री माइनस वन, इक्वेशन थ्री माइनस वन, तो इक्वेशन थ्री हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन थ्री है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, और इक्वेशन वन है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, माइनस करने वाले को सब्ट्रैक्ट कर, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा आर डी माइनस डी माइनस का पी डी प्लस का डी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ये डी कट जाएगा, इसमें डी कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस पी, यहाँ से आर माइनस पी का वैल्यू आया सी माइनस ए बाई डी। ठीक है, तो हम लोग एल एच एस को सॉल्व करेंगे, एल एच एस को लिखेंगे, क्या है एल एच एस हमारा, एल एच एस है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू, यही एल एच एस है। ए का ए रहा है, क्यू माइनस आर का वैल्यू डालेंगे, क्यू माइनस आर का वैल्यू कितना है, बी माइनस सी बाई डी, ये है बी माइनस सी बाई डी प्लस बी का बी रह जाएगा, आर माइनस पी का वैल्यू भी हमने फाइंड किया है सी माइनस ए बाई डी, सी का सी रह जाएगा, पी माइनस क्यू हमने क्या फाइंड किया है, ए माइनस बी बाई डी, ए माइनस बी बाई डी। अब क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एलसीएम डी 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 कैंसिल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, और ये ए सी माइनस बी सी। अब क्या होगा, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कट जाएगा, प्लस का ए सी माइनस का ए सी कट जाएगा, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट जाएगा, क्या होगा जीरो बाई डी इज इक्वल टू जीरो। राउंड हो गया, जीरो तो लाना था, जीरो लाना था, जीरो हम ला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। नहीं 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 नहीं, इवन नंबर का सम निकालना है इसके पीछे। इवन नंबर सबसे पहले क्या होगा, 102 होगा, फिर 104 होगा, लास्ट में 998 होगा। इसका सम निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, 100, डी होगा 104 माइनस 102, लास्ट क्या है टीएन, टीएन दिया हुआ है, तो हम लोग सामने के लिए एन चाहिए, टीएन के हम सब निकाल लेते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी होता है। अब हम लोग टीएन का वैल्यू 982 कर लेंगे, ए है 102, एन का तो पता ही नहीं है, डी है पर ये 102 इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना हो 6 8 9 6, और ये 2 आ जाएगा बाई में, इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये कट जाएगा 4 4 8 4 4 8 प्लस 1, एन का वैल्यू आया 449। अब हम ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, एन बाई 2 ए प्लस एल, लास्ट टर्म पता है इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर दिए, एन है 449 बाई 2, ए का वैल्यू 102 और ये है 998, कितना हो जाएगा 449 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 1100 हो गया ना, कटा देंगे 550, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 4 + 7 + 10 + x इज इक्वल टू 590। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये क्या है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, सब दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग एसएन यूज कर देते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। एसएन कितना है 590, एन का पता तो नहीं है, एन का वैल्यू नहीं पता है, एन बाई 2, ए का वैल्यू क्या है 1, एल कितना है, एल है ये हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 590 इंटू 2 कितना होगा, उन्होंने 0 इज इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस एक्स। इसके बाद तो हमारे पास ना एक्स पता है और ना ही एन पता है, तब तो हमको क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग एक बहुत फॉर्मूला जानते हैं ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस वन इंटू, मुझे लगा कि डायरेक्टली आ जाएगा लेकिन आया नहीं,
tn equal to a plus n minus 1 tn का वैल्यू क्या है x है a है वो n तो नहीं पता है d का वैल्यू क्या होगा यहां से देखिए a का वैल्यू 1 है d 4 minus 1 is equal to 3 d कितना है 3 x is equal to आपको यहां 1 plus 3 n यहां से मैं डायरेक्ट n का वैल्यू निकाल देता हूं यहां से n निकाल के इसमें पुट कर दूंगा तो x आ जाएगा मैं ये काम करने जा रहा हूँ x minus 1 by 3 is equal to क्या होगा n minus 1 हो minus 1 इधर भेजते हैं तो क्या होगा x minus 1 by 3 plus क्या होगा सेम ले लेते हैं x minus 1 plus 3 is equal to n x plus 2 by 3 is equal to n n का वैल्यू x plus 2 by 3 आया हमारे इसमें यहाँ पुट कर देते हैं 1180 is equal to n के बदले में x plus 2 by 3 into ये है x plus 1 3 इधर फिर से जाएगा मल्टीप्लाई तो ये होगा 0 3 5 4 0 बहुत नंबर प्लस 2 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई कितने आ गए x स्क्वायर प्लस 3x ये उधर गया तो क्या होगा माइनस का 3 5 3 8 इज इक्वल टू 0 हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 5 3 8 इक्वल टू अब क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके 3 5 3 8 और माइनस करके 3 मल्टीप्लाई तो नंबर जो है बहुत बड़ा है इसका फाइंड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन देखिए क्या करेंगे बता रहा हूँ मैं अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया होता तो ये आसान हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है ना अभी आपके अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि ऐसा होता है फिर बाद में बताऊँगा ये ए का वैल्यू क्या हो गया वन हो गया बी हो गया 3 सी हो गया माइनस 3 5 3 8 अब डी का एक नया फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है सी है माइनस 3 5 3 8 इसके बाद का तो मैं इधर कर रहा हूँ नेक्स्ट अब हो जाएगा आपको d का वैल्यू आने के बाद d क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए जीरो आ सकता है d का वैल्यू या जीरो से बड़ा तो सॉल्व होगा नहीं आएगा तो नहीं होगा तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 3 5 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये आपको हो जाएगा 8 4 जा 32 कैरी बच गया आपको 3 141 इसको आप ऐड करेंगे तो होगा 14161 तो आपको याद करना क्या है एक फार्मूला ये कि d का वैल्यू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4 ac और दूसरा फार्मूला याद करना है क्वेश्चन एक्स में है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू एक ये फार्मूला आपको याद करना होगा जब मिडिल टर्म स्प्लिट आप नहीं कर पाए नंबर बड़ा हो तब फैक्टराइजेशन अगर आपको करना है एक्स का वैल्यू निकालना है तब आप ये पहले डी वहाँ से निकालिएगा और फिर यहाँ से एक्स निकालिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू इक्वेशन एक्स रिलेटेड इसलिए है एक्स इक्वेशन अगर वाई से रिलेटेड होता तो यहाँ वाई होता सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस रूट अंडर 14152 बाई टू ए का वैल्यू क्या है 1 है
हमारे स्क्वायर रूट का तो यूज आ गया, इसका स्क्वायर रूट हमने सिखाया हुआ था शॉर्ट फॉर्म में, ये हो जाएगा। लास्ट में टू कैसे आ गया, 1416 बना है ना, ये 119 का होता है माइ टू। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू -3 प्लस माइनस हो गया ना, हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक्स इक्वल टू -3 प्लस 119 बाई टू एंड एक्स इक्वल टू -3 माइनस 119 बाई टू, ये होगा। ध्यान दीजिए, 1 है 4 है 7 है, इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो एक्स निगेटिव नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। एक्स निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ये होगा 119 में से 3 गया 116 बाई 58 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 58 है ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ एन 2n 3n terms of NAP be S1, S2 and S3 respectively so that S3 is equal to 3 into S2 minus S1. यही सब करना है, चुक काट करते हैं। कैसे होगा क्या अप्रोच होगा इसके लिए, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि क्या है, सम है n टर्म का, n टर्म का सम क्या होता है, Sn, Sn is equal to S1 जो, मतलब Sn का वैल्यू क्या है, S1 है। Sn का फॉर्मूला लिखिए, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी इज इक्वल टू क्या है, ये S1 है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो रहा है। S2n है, सम ऑफ 2n टर्म, मतलब Sn के बदले में क्या होगा, S2n है, जो कि है आपका S2। और ये फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टू, तो n तो यहाँ पे 2n है, 2n बाई टू 2a प्लस n के जगह 2n है बराबर S2। दूसरा इक्वेशन S3n कितना है, S3 n बाई टू, इसका हो जाएगा 3n बाई टू, 2a प्लस n क्या है, 3n प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू S3। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपका LHS S3 है, RHS 3 इंटू S2 माइनस S1 है, मतलब S2 में से S1 को माइनस करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि S2 माइनस S1 तो हमको लाना है। तो हमने क्या किया, S2 में से S1 माइनस कर दिया। S2 में से S1 कैसे माइनस होगा, जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करने चले। पहले इसको लिखना होगा, इसको मैं कटा दूँ क्या, यहीं पर कटा हुआ, देखिए ये तो 2 से 2 कट जाएगा, अगले यहीं पर कटाते हैं। इज इक्वल टू S2 है और इसका वैल्यू है, तो क्या
क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो टू से टू कट गया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाई का टू गायब हो जा रहा है ना, जबकि इसके बाद में टू बढ़ जा रहा है। सब्ट्रैक्ट करने से कुछ कटना चाहिए, इसको ऐसा करते इसको कटाते ही नहीं है, क्योंकि थ्री एन लाना है तो इसका एक टू एन लगे। हमने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो टू से टू कट जाएगा तो टू एन, टू एन प्लस तो लेन भी हो रहा है, इसको हम लोग कटा ही देते हैं। अब देखिए क्या, टू ए एन प्लस एन से किए तो क्या हो गया, एन को टू एन से तो टू एन स्क्वायर, एन को वन से तो माइनस एन डी का डी, ये हो गया इज इक्वल टू एस टू। इसी में माइनस भी कर देते हैं, माइनस इसको करेंगे तो क्या होगा, एन बाई टू को ये टू टू कर जाएगा, सीधे ए एन हो जाएगा माइनस ए एन, इससे इसको करेंगे ये क्या हो जाए, माइनस कर रहे हैं यहाँ भी माइनस होगा, एन को एन से क्या होगा, एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। इंटू में डी है तो इंटू में डी रखते हैं, डी इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, ये सिंप्लीफाई थोड़ा लंबा हो रहा है। उसके बाद देख टू ए एन माइनस एन क्या होगा, ए एन हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें डी कॉमन है तो हमने इसमें डी कॉमन ले लिया, क्या होगा टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू, ये हो गया ये हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। अब क्या लग रहा है क्या होने वाला है, टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई टू क्या होगा, हम लोग टू का एलसीएम ही कर लेते हैं, टू एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। अब ये टोटल होल का हमने एलसीएम ले लिया वन टू का, तो टू हो गया, ये आ जाएगा टू ए एन प्लस डी इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। टू उधर गए लेकिन हमको एस टू माइनस एस वन को थ्री से मल्टीप्लाई कराना है, जबकि हमको नीचे टू ही आना है, कहीं गलत नहीं है हम लोग। देखिए अब ये टू उधर गया, क्या हो जाएगा टू ए एन प्लस इसमें से आपको कॉमन आ रहा है थ्री एन आ रहा है कॉमन, तो थ्री एन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एन माइनस वन हो जाएगा, या केवल एन कॉमन लेंगे, केवल एन ही कॉमन लेते हैं, डी तो पहले से है एन कॉमन लेंगे तो ये हो गया थ्री एन माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू एस टू माइनस, क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ टू इंटू है थ्री इंटू है, आज हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट लाइन क्या लग रहा है आपको, देखिए n कॉमन है n कॉमन है तो हमने क्या लिया n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेंगे तो क्या होगा टू ए प्लस
सीरियल माइनस वन इंटू बी यही होगा। यहाँ से आके लिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, इज इक्वल टू टू इंटू एस टू माइनस एस वन यही। अब हमने क्या किया, देखिए ये फार्मूला लग रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इनका वैल्यू क्या है थ्री एन है, लेकिन इसके बाहर क्या होता है एन बाई टू, तो यहाँ थ्री एन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए थ्री एन बाई टू होना चाहिए। तो यहाँ पे एन है और थ्री लाना है तो क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये थ्री एन टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, इधर थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री इंटू टू एस टू माइनस एस वन। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इस टू को इसके नीचे ला देंगे, थ्री एन बाई टू इंटू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू थ्री इंटू एस टू माइनस एस वन। ये किसका फार्मूला होगा, एस थ्री एन का होगा, एस थ्री एन इज इक्वल टू थ्री इंटू एस टू माइनस एस वन, और एस थ्री एन को हम लोग किसे डिनोट किया है, एस थ्री से डिनोट किया है, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे दूसरा प्रोसेस, पहले आप एल एच एस को सॉल्व कर लीजिएगा फिर आर एच एस को सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ए पी को ख़त्म किया, आप लोग इसको रिवाइज करें, धन्यवाद।